इंडिया की सबसे बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि स्पाई यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है? एक से बढ़कर एक सुरमा है बाबू। चाहे सलमान खान टाइगर हो, कबीर ऋतिक रोशन हो, खालिद टाइगर हो या फिर सलमान भी टाइगर हो, तो आज बात करेंगे सबसे ज्यादा पावरफुल स्पाई यूनिवर्स का एजेंट कौन है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक वीडियो होने वाला है ये, एंड ये यूनिवर्स आगे जाकर बवाल धमाल मचाने वाली है। तो इस वीडियो को जरूर से आखिर तक देखना है आपको। तो चलिए जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन स्पाई यूनिवर्स। इस लिस्ट के टॉप 8 पर आते हैं वॉर फिल्म के विलन टाइगर श्रॉफ नहीं बल्कि सौरव, क्योंकि मानो ना मानो बाबू जिस कदर सौरव ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था वॉर फिल्म में, किसी पर सिर्फ चेहरा बदलने के साथ साथ उन्होंने कितना अच्छा अपने आप को टाइगर के किरदार यानी कि खालिद को पूरी अच्छी तरीके से ढाल लिया था, एंड लगभग ऋतिक रोशन सर का काट ही लिया था अगर पता नहीं होता ऋतिक भैया को कि एक कमजोरी है टाइगर श्रॉफ की। इस लिस्ट के टॉप 7 पर आते हैं पठान सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे तगड़ी फीमेल कैरेक्टर यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दीपिका पादुकोण। पहली बार इस स्पाई यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होने जा रही है, ये हीरोइन है या फिर विलन है, क्या है बात, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन काफी ज्यादा तगड़ी एजेंट के तौर पर ये नजर आ रही है एंड अच्छे खासे फाइट एंड मस्त रोल इनका होने वाला है पठान फिल्म में। तो अगर आपने पठान फिल्म को देख ली है तो कैसा रहा दीपिका पादुकोण का परफॉर्मेंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस लिस्ट के टॉप 6 पर हैं सलमान खान की टाइगर यूनिवर्स की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस यानी कि कटरीना कैफ या फिर कह लो जोया, जो कि दरअसल ISI से बिलोंग करती है, पाकिस्तान की है ये एजेंट, लेकिन आगे चल के क्या होती है कहानी आप सभी को पता है, लेकिन ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल एंड काफी ज्यादा खूंखार है। इनकी फाइटिंग सीन तो आपने टाइगर जिंदा है में देखी होगी भाई, अकेले 100 पे भारी है एंड ये बहुत ही तगड़ी कॉम्बैक्ट फाइट जानती है। एंड आगे बढ़ते हैं टॉप 5 में आ चुके हैं और अब आने वाला है मजा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि डेली ऑसम वीडियोस कर रही है आप सभी का इंतजार। नंबर 5 पर है खालिद टाइगर श्रॉफ। काफी ज्यादा तगड़े एक्टर थे, जैसे कि आपने सुना होगा जर्नल ने खुद कहा था कि हर फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक नंबर है, एंड यही द रीजन कि उन्हें ऋतिक रोशन यानी कि कबीर के टीम के साथ करने का मौका मिला, लेकिन कबीर सर तो उससे एक कदम आगे रहे, टाइगर श्रॉफ में भी कमियां निकाल दी कि उनके आई के राइट साइड में एक स्पॉट है जिसके वजह से वो राइट साइड के अपोनेंट को सही तरीके से नहीं देख पाते, एंड यही रीजन है कि टाइगर श्रॉफ इस लिस्ट में टॉप 5 पर है, नहीं तो हो सकता था वो थोड़ा और भी आगे हो सकते थे। नंबर 4 पर है एक और तगड़े नए विलन जो कि इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं पठान फिल्म में, और आपने पठान फिल्म को देख लिया है तो बताओ कैसा लगा आपको जॉन अब्राहम। तगड़ी बॉडी है यार, तगड़ा विलन का बैडैश लुक है यार, तबाही मचाने वाले हैं पठान फिल्म में। एंड टॉप 3 में आ चुके हैं, मजा और भी ज्यादा बढ़ चुका है, वीडियो को लाइक आप कर चुके होंगे। नंबर 3 पर है शाहरुख खान, जो कि रॉ के काफी ज्यादा पुराने एजेंट है, जो कि बाबू 3 साल से गायब है, वनवास में थे एंड जब उनकी जरूरत पड़ी तो वनवास से वापिस आए हैं, तगड़ा कमबैक किया है एंड तैयार है देश के लिए जान देने के लिए। एंड पठान फिल्म जो तो अभी रिलीज नहीं हुई है, और अगर आप पठान फिल्म रिलीज होने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो रिव्यू देख करके जरूर से बताइएगा कि क्या धमाल बवाल मचाया है शाहरुख खान ने पठान फिल्म में, क्योंकि बॉडी तगड़ी, लुक तगड़ा, एक्टिंग तगड़ी एंड भाई जो पठान फिल्म के टीजर ट्रेलर को देख के लग रहा है कि ये फिल्म भी एक नंबर होने वाली है। टॉप 2 पर है बाबू एक ऐसे एक्टर जिन्हें तो एक नंबर पर होना चाहिए था, लेकिन क्या करे भाई एक नंबर पर कोई और है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एजेंट कबीर ऋतिक रोशन, जो कि मेरे स्पाई यूनिवर्स के फेवरेट कैरेक्टर है बाबू। क्या लुक्स है, क्या बॉडी है, क्या ब्रेन है भाई, अकेले ही देश के खिलाफ चले गए एंड अकेले ही पेल दिए सारे विलन को। एंड जब बात आई क्रेडिट की, पूरा का पूरा क्रेडिट भाई उनका खुद का था, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी क्रेडिट को टाइगर श्रॉफ यानी कि खालिद के नाम कर दिया। तो ये होता है भाई एक सोल्जर जो अपने देश के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है, इवन हिज लाइफ, एंड ये परफेक्ट एग्जांपल एक सोल्जर का हमें देखने को मिला ऋतिक रोशन के वॉर फिल्म में, एंड ऋतिक रोशन ने एक नंबर परफॉर्मेंस दिया भाई। आज भी याद है ऋतिक रोशन की तगड़ी फाइट एंड तगड़े डायलॉग वॉर फिल्म के, एंड एक नंबर पर कौन है सभी समझ गए होंगे, सलमान खान एक नंबर पर इसीलिए है क्योंकि वो भाई इस यूनिवर्स के खलनायक है, अगर ये नहीं होते
तो ये स्पाई यूनिवर्स नहीं होता, सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल अकेले दूसरे देश में जा करके सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पेल के आना मजाक थोड़ी ना है। सलमान खान की तगड़ी बॉडी है, तगड़ा एक्शन परफॉर्मेंस देते हैं एंड एक नंबर का प्लान बनाते हैं एंड हमेशा तैयार रहते हैं खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए एंड हमेशा उनका पहला प्रिफरेंस उनका नेशन होता है एंड दैट इज द मेन रीजन सलमान खान है स्पाई यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के साथ साथ मोस्ट मैच्योर्ड कैरेक्टर ऑफ स्पाई यूनिवर्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और पसंद आई है यार तो इसे लाइक करना। लेकिन क्या आप जानते हैं स्पाई यूनिवर्स में सबसे तगड़ी बॉडी, तगड़ा 8-pack, abs, तगड़ी 22 से बैक किसका है? जानने के लिए राइट साइड वाली वीडियो देखो, मजा आ जाएगा।